हेलो, हैप्पी संग्रहण। हाँ, हैप्पी संग्रह। जरा ये हम पे आए हुए हैं, इस पहाड़ का इतिहास हो तो थोड़ा बताइए इसके बारे में जानकारी। ओके, तो सभी को ये जो संग्रही उत्सव का शुभकामना। एक्चुअली हम जहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत एक बुद्ध मूर्ति है। ये बहुत बड़ा है, हमारा करबुक सब डिविजन या इलाके में। हाँ, हमारा जो गुमती में सबसे बड़ा जो बुद्ध का मूर्ति है, स्टेचू है। तो एक्चुअली है हमारा शिवपुरी ब्लॉक इलाका जो आलमारा पड़ता है, आलमारा में ये मूर्तियां हैं। मूर्तियां और छोटा छोटा भी मूर्तियां हैं, इसलिए मूर्तियां बन। और बड़ा जो बुद्ध का जो स्टेचू है, ये सिर्फ एक ही है, आप लोग सब देख रहे हैं। एक्चुअली ये इनॉग्रेट 2007 25 नवंबर को। इसका एक नाम है, ये है प्रीलुंग खेंसा बोल के जो फ्रागरी तो। प्रीलुंग खेंसा फ्रागरी तो। फ्रागरी के फ्रागरी मीन्स बहुत बड़ा बुद्ध का स्टेचू है, क्योंकि ये आप लोग देख ही पा रहे हो कितना बड़ा है, इसलिए बोलते हैं प्रीलुंग फ्रागरी तो। कोई यहाँ इलाका में देवता मानते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग मानते हैं यहाँ पे होता है ऐसे। इसको मानने से जैसे इस में जो गाड़ी जाता है, गाड़ी का को हो या आपका दिल कुछ खराबी है, यहाँ जाने से कुछ ना कुछ को अघतन हो सकता है, कुछ मानते हैं लोग इसका। सिर्फ यहाँ का इलाका नहीं, दूर से भी लोग आके पूजा करते हैं। ये 2007 से अभी 2023, मतलब लगभग 10 ईयर्स क्रॉस हो गया। बहुत साल पहले से टारगेट हो रहा था कि यहाँ एक टूरिस्ट होगा। अभी जो गवर्नमेंट अभी मतलब स्टेप ले रहे हैं कि शायद 2004 को यहाँ एक स्पॉट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाने का ऐसे बात चल रहा है। अगर ऐसा हुआ, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस, तो इस इलाका के लिए बहुत खुशी का बात है। यहाँ माहौल ही बदल रहा है, ऐसे लग रहा है। और एक खुशी है कि हमारा ये सामने, मतलब यहाँ मिडिल में रास्ता है, रास्ते के बगल थोड़ा ईस्ट के साइड में बहुत बड़ा इसको क्या बोलूं, जो बहुत बड़ा एक पेगोडा बन रहा है। काम शुरू हो गया, ये पेगोडा जिस दिन कम्प्लीट जाएगा, अब यहाँ बहुत बड़ा एक मेला जाएगा। है, मेला होता है। और यहाँ पे भी सुना हर साल मेला लगता है इधर। अच्छा अच्छा, तो उधर भी इस बार बहुत लोग आता है। ये कम से कम क्या दर्शनार्थी 20,000 ऊपर होता है। अच्छा, तो आप सब लोग जहाँ से भी इस वीडियो को ने, आप लोग आ जाइए। ये सिलाचेरी ब्लॉक इलाका आलमारा बाजार के एकदम बगल में है। यहाँ आइए, यहाँ का बहुत शांत होता है, दिल बहुत अच्छा लगता है। इधर गर्मी हो, गर्मी में इधर बहुत ठंडा हवा रहता है, और ठंडा में इधर आइए, आपको गर्मी महसूस होता है। ये कुआ जैसा है, होता है, तो आप लोग आइएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग आए हैं, ये तो। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मतलब ये रिक्वेस्ट है, देखें, ठीक है ना, जिनको घूमने का अच्छी नई जगह, अच्छी जगह, ये काफी घूमने वाली जगह है, आइए और घूमें। आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।